हमारी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 22 फरवरी को, जो अभी गई है, मतलब एक पिछले। और हाँ, 22 फरवरी गई भी है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना बता ही दूँ आप सबको, क्योंकि हमारा मतलब 22 फरवरी भी चले गए हैं, तो मतलब चुप। 22 फरवरी को मिले थे, और उस टाइम कैसे मिले थे ये नीचे, मतलब वही रिएक्शन में शूट कर रहे थे, डांस कर रहे थे वो वाला नाच रे पत्थर की नागिन दे, ये बता रही है कि सो हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का कोई प्रैंक वीडियो नहीं है, आज की जो वीडियो है ना, आप लोगों को बहुत ही दिन से बेसब्री से इंतजार था। गुस्से में क्यों बोल रहे हो? गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंतजार था कि भाई हम दोनों का मतलब हम दोनों का मिलन कब हुआ, कब सेटिंग हुआ, तो अरे मतलब कब हम मिले, तो ये लोग मतलब ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी था। और सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच, आप लोग मतलब जो आदमी जियो से लेके अभी तक हमारे साथ खड़े हैं और हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और हम कब मिले थे वही बताने वाले हैं आज आपको, तो मैंने सोचा क्यों ना यार, बहुत दिन हो गए और आप सब काफ़ी मैसेज और कमेंट भी कर रहे थे कि भाई कब मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसी मिले थे। हाँ, तो वही चीज़ें स्टोरी पे रील भी लगाई थी हमारी फर्स्ट मीट की, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूं। और बीच बीच में मतलब हमारी जैसे कि संडे को आप सब क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगी, ठीक है? हम मतलब दोनों मतलब संडे को आके संडे को वही वीडियो बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन वाले जो आप सब क्वेश्चन करोगे वो हम आंसर देंगे आपको, ठीक है? तो हमारी मतलब हम कब मिले थे, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं पहले करता था, अरे एक मिनट रुको ना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पहले करता था रिएक्शन वीडियो शूट, जो पब्लिक में मैं जाके रैंडम डांस करता था और भोजपुरी गाना गाता था और डांस करता था जैसे कि कोई लड़की है, ठीक है? वहाँ पे जाता था मैं और बोलता था एक्सक्यूज मी मैम, हमारा ना एक बिहार में दोस्त है और उसके लिए मुझे रील्स बना के भेजना है और मैं यहाँ पे डांस का ऑडिशन देने आया हूँ, कुछ भी बोलता था, और उससे मैं रील्स बनवाता था। फिर उसके बाद ना मैं कान में लगा के मुँह से गाता था। और जो भाई उसके बाद जब मैं डांस करके चला जाता था, उसका जो रिएक्शन आता था कतई जहर वाला रिएक्शन आता था। तो क्या बोला आपने अभी? कतई जहर। क्यों? मतलब रिएक्शन यार, हाँ, अच्छा प्यारा रिएक्शन आता था। हाँ। और बाकी मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। बनी चश्मा लगोला दूर रबीन जय। क्या बोला तूने? नो 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 नो। रमुनिया बजा बता नहीं आके नाच रे पतर की नागिन जैसा। कैसी वीडियो मैं बनाता था, ठीक है? शो कर दूंगा। और सबसे पहले तो हमारी कब मुलाकात हुई थी बताना, अब आप बताओ। हमारी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 22 फरवरी को, जो अभी गई है, मतलब एक पिछले। और हाँ, 22 फरवरी गई भी है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना बता ही दूँ आप सबको, क्योंकि हमारा मतलब 22 फरवरी भी चले गए हैं, तो मतलब चुप। 22 फरवरी को मिले थे, और उस टाइम कैसे मिले थे ये नीचे, मतलब वही रिएक्शन में शूट कर रहे थे, डांस कर रहे थे वो वाला नाच रे पत्थर की नागिन दे। नहीं, वो वाला नहीं, नहीं ए राजा जी एगो पून कह द अपने ही हाथे हमर खून कह द। लग गई मेरे। तो भैया ये ना ऊपर से देख के डांस कर रही थी, तो भैया हुआ क्या? क्या? चुप 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 चुप, कुछ भी मतलब। तो मैं कर रहा था नीचे डांस, ये कर रहे थे डांस, ठीक है? हाँ, हाँ बोलो। ये कर रहे थे डांस, ठीक है? तो मैंने इनको देखा, मतलब मेरे भाई ने दिखाया कि बच्ची देखने के लिए डांस कर रहे, तो मैंने देखा, तो मैं देख के भाई और मैं देख के हंसने लग गए इनको। तो फिर ये रैंडमली ऊपर आए,
तो इनको रील बनानी होगी, तो इन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा मेरे से मत पूछो, भैया से पूछ लो। तो मेरे साथ जिनके साथ मैं रील बनाती थी उन भैया से पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला इनके भाई से पूछो। जब मेरे भाई से पूछा तो उन्होंने हाँ बोल दिया, फिर उन्होंने जब मेरे साथ रील बनाई। सबसे बुरी बात तो ये है कि हम जब मिले थे इससे तो इतनी गंदी रील्स बनाई, इतनी गंदी रील्स। अब देखो बनाया था कैसा था डायलॉग, क्या था, मैं तेरे को अच्छा लगाना, अच्छा लगाना मैं, अच्छा लगाना मैं, बहुत बहुत घटिया लग रहा है भाई, अच्छा लगाना मैं, अरे तो बहुत घटिया लग रहा है भाई, ये साली सब इंस्टाग्राम के फिल्टर विल्टर में ही अच्छी लगती है। तो भाई फर्स्ट टाइम ही इसने भाई बोल दिया था मुझे, बुलवाया किसने था। तो सबसे बड़ी तो सदमा ये लग गया था कि सब फर्स्ट टाइम ही इसने भाई बोल दिया, बुलवाया इन्होंने था। ठीक है, फिर भैया मैंने हम सब वहाँ से गए, वीडियो वीडियो शूट कर लिया, मैंने एक रील्स बनाया इसके साथ, फिर उसके बाद मैंने बोला इंस्टाग्राम पे लिया कॉन्टैक्ट, अरे नहीं कुछ भी मतलब, तो ऐसे नॉर्मली बात होती थी हमारी, खाना खाए ये ऐसे हाल चाल पूछते, फिर एक दिन मैंने इनको आगे से मैसेज किया कि मतलब मेरे साथ डांस। और देखो देखो किस्मत का खेल देखो कि भैया जहाँ मैं रहता था वहाँ पे इनकी मौसी रहती है, और ये सब ना होली में आए थे ना, बताने था ना यार को, ये कौन से पहले कूद पड़े वहाँ पे। तो मतलब मैंने इनको बोला कि मेरे साथ डांस की वीडियो बनाओगे, आपने देखी होगी कौन सी थी, हाँ कुड़ी कवारी तेरे पीछे, ठीक है, तो उसमें मैंने इनके साथ वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद इनसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया एक दूसरे के पास, फिर मतलब ऐसे बातचीत होती गई, तो तब भी हमारी बात नहीं होती थी इतनी, तो फिर ज्यादा बात नहीं करता था मैं भाई, भाव नहीं देता था यार, एटीट्यूड दिखाता था मैं ही नहीं बात कर रही, ठीक है, अगर मैं बात करती ना तो आप खुद कर लेते आगे से। अच्छा हाँ, एटीट्यूड दिखाता था, ठीक है, स्मार्ट था बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खा रहा था मैं, अगर मैं इनसे बात करती थी मेरे से बात करते, इसलिए मैं करती ही थी इनसे बात, ठीक है ना। अच्छा तो फिर चुप चुप, तो फिर होली आई पिछले साल वाली होली, 18 तारीख को होली थी, तो हम मौसी घर पे गए थे हम, तो मतलब होली होली बनाई, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि हम इनकी वीडियो देखे थे, चलो तो यूट्यूब पे मतलब टीवी में लगा के इनकी वीडियो देख रहे थे, रिएक्शन वीडियो, तो मैंने मम्मी को बताई थी, मम्मी ऐसे ही मिले थे हम, जैसे मतलब ये बना रहे थे, हम ऐसे देख के हंस रहे थे, तो मेरे पास आए थे, तो फिर मम्मी ने बोला यही रहता है विश्वास ना, हाँ तो मम्मी ने कॉल करवाई, कॉल करी हम। भैया देखो सबसे पहले ना इनसे मिलने का सबसे बड़ा हाथ तो मम्मी का, इनके मम्मी का, क्योंकि मम्मी ने बोला कि फ़ोन लगा सुभाष को बुला और यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, तो जैसे ये आई तो हमने दो चार रील्स बनाई, और रील्स यहाँ पे थोड़ी थोड़ी 19 मार्च थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में, दिखा देता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, और बस ये रील्स हमने बनाई, तो वहाँ से क्या बात से हमारे फिर उसके हम रेगुलर मतलब रेगुलर हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, जल्दी जल्दी कर दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, क्या जल्दी क्या जल्दी लिख क्या। और गाइस ऐसा नहीं कि ये मुझे मिली और जल्दी से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया इसके साथ, मेरे साथ कोई बनाई नहीं थी वीडियो, मतलब मैं साथ में जाती थी, पहले साथ में आती थी रील्स, आपको नहीं पता ना कुछ मत बोलो फिर, हाँ तो पता नहीं कुछ बोले जा रहे हो, बोलो बोल देना थोड़ा सा बीच में, ठीक है। तो गाइस ये ना अभी बोलने के लिए बोला, अभी बोला मनाने, अच्छा बोल मला ले, अच्छा ठीक है, अच्छा बोलो बोलो। तो गाइस ये ना सीपी आती थी, और सीपी आती थी हमारे जब जहाँ भी शूट होता था, जहाँ भी लोकेशन पे जाता था मैं आती थी, और ये अपना इसका मैं रील्स बना देता था, ये चली जाती थी, मुझे मतलब ज़्यादा मतलब नहीं इस ना इसको, ये गलत बोला आपने, ढंग से नहीं बताया आपने भाई, चुप चुप भाई, अरे नहीं सुनने नहीं मैं चुप, पता है पता, चुप। तो क्या हुआ था, तो उसके बाद हम मतलब मिले, तो मम्मी ने मतलब इनसे बातचीत करी, तो मतलब इनसे बात करी, तो बोला हाँ ठीक है भेज दो हमारे साथ, तो मतलब रेगुलर इनसे बातचीत होने लगी, फिर होने लगी, तो एक दिन क्या हुआ, फिर हमने बनाई थी एक, अब आप बोल दो, बोलो ना आप, क्या हम बनाए, वो उनको भी पता है कौन सी क्यूट फ्रेंड वाली वीडियो बनाई थी। तो भैया हमने एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि एक बार ना तुमसे वॉइस वाला करके देखो आप, मतलब आप सब वॉइस वाला करके देखो। हाँ, तो भैया हमने इस पे ना मैं प्रैंक कराया था रैंडम, कि मैं ना तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, एकदम से बोला मैंने आई लाइक यू आई लव यू जो है भैया, तो इसने मना करा, मेरे जिंदा मुंह पे जूता मारा जिंदा, अच्छा इसने मना किया, ठीक है मना किया, फिर आप सबने देखा होगा चलता गया सीन, फिर इसके बाद इसने आप सबके कहने पे और आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट और प्यार दिखाया कि इसको भी पिघला दिया, एक होता है ना जनता की पावर, ये होती है पब्लिक क्या बोलती, तो आप लोगों के प्यार की वजह से हम दोनों ने एक हो गए भैया, तो उसके बाद देख ही रहोगे दिनचर्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना ज़्यादा प्यार बहुत। और आप लोगों दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जो much. हम मतलब हमारे अभी तक सपोर्ट में खड़े हों, अभी तक साथ में खड़े हो, बहुत बहुत थैंक यू, और आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और आगे जो भी होगा
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन, आप सब क्वेश्चन जितना भी करना है भर भर के करो। और सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना देर तक मेरी वाणी को सुनने, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं तक। समझ वाणी तो गाइस, चलो भैया बात ये है, बकवास बात है, हमारा बकवास मिलन जो था बेकार सा मिलन था हमारा। तो भैया बात ये है कि हमारा यही था कि हम कैसे कैसे मिले थे, बस ऐसा था। और हम बस अब यही चाह रहे कि हम दोनों कुछ भी करें अपने साथ में करें और एक दूसरे को सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ें। और क्या क्या बोले यार मतलब देख मेरा कहना ये है कि हम दोनों मिलके मतलब साथ में काम करना चाहते हैं और साथ में अच्छा आप सपोर्ट करते रहोगे तो हम पंगे भी हो जाएंगे, ऐसे करते रहना हमें। और बस आप सब सपोर्ट करते रहो और हम सब कभी अलग नहीं होंगे, हमारा एक मतलब वो है ना दिल का कनेक्शन है किसका बस आप सब अपना प्यार बनाए रखो और लव यू सो मच, लव यू लव यू। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी प्यारी सी वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट में समझ गया, जल्दी कमेंट में करो जल्दी। क्या पी नहीं क्या है हो क्या, जल्दी कमेंट में करो फटाफट। और अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जरूर। मिलते हैं आपका, लव यू सो मच। बंद कर दो भैया कैमरा वाले, करे जा।